Myself Farzana Begum, lecturer in economics, JDCW, Golconda. आज के इस वीडियो में हम टैरिफ और टाइप्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ के माने मफहूम और उसकी अकसाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। टैरिफ क्या है? टैरिफ के माने वो मफहूम। टैरिफ यानी महसूल एक तरह का टैक्स होता है जो कि दरामदात पर आयात किया जाता है। इसको इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। तो टैरिफ क्या है? एक किस्म का दरामदाती टैक्स है जो दरामदात पर लगाया जाता है। टैरिफ का इस्तेमाल दो मकासद के लिए किया जाता है, आमदनी की गरज से और दूसरा तहफ़ की गरज से। आमदनी से मुराद टैरिफ से मुराद ऐसी हालत जिसके ज़रिए मज़ीद आमदनी हासिल होती है। उमूमन इस तरह का टैक्स अशिया तायुशात पर लगाया जाता है। जितना कम दरामदी महसूल इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड किया जाता है उतनी ही ज़्यादा आमदनी हासिल होगी, क्योंकि टैक्स की कमी की वजह से इम्पोर्ट में इजाफा होता है। इसकी अहम वजह यह है कि जब बरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा और अशिया की तलब बढ़ जाएगी तो लोग घरेलू अशिया का इस्तेमाल कम करेंगे और दरामदती अशिया के इस्तेमाल को तरजीह देंगे। इसी वजह से दरामदती अशिया पर ज़्यादा आमदनी हासिल होती है और कम दरामदती महसूल बैरूनी मैशियत को मज़ीद अशिया दरामद करने की तरगीब देता। तो टैरिफ क्या है? एक ऐसा महसूल है जो दरामदात पर लगाया जाता है, उसको दरामदाती महसूल या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है। महसूल के अकसाम। उमूमन महसूल को मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम किया जाता है। कुदरती महसूल, मुरक्कब महसूल, मखसूस महसूल, स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी वगैरह में तकसीम किया जाता है। एड वैलोरम टैरिफ यानी कि कुदरती महसूल, ये इम्पोर्ट ड्यूटी का सबसे आम तरीका जिसको हम एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। इस किस्म के महसूल को उमूमन जुमला दरामदती अशिया की मकदार के एतबार से आयत किया जाता है और इसको मतलब परसेंटेज में, क्योंकि कितने परसेंट इस पर टैक्स आयात किया गया उसको हम एड वैलोरम टैरिफ कहते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ मखसूस महसूल, इस तरह की ड्यूटी दरामदती अशिया की एक मादी इकाई के अतबार से आयात की जाती है। मिसाल के तौर पर आदत के अतबार से जिसकी टीवी है और कपड़ा है तो मीटर के अतबार से, कोई चीज़ है तो किलोग्राम के अतबार से इसका जो है सो इस पर मखसूस किस्म का टैक्स आयात किया जाता है, उसको स्पेसिफिक महसूल टैरिफ कहते हैं। मुरक्कब महसूल कंपाउंड टैरिफ, कंपाउंड ड्यूटी। जब मुरक्कब महसूल में हुकूमत उमूमन एड वैलोरम कुदरती और मखसूस स्पेसिफिक के इम्तजाज के ज़रिए महसूल को ऐड करती है, लेकिन यहाँ पे हम कुदरती महसूल, एड वैलोरम टैरिफ और स्पेसिफिक टैरिफ दोनों का ये एक मुरक्कब होता है। यानी कि जिस तरह से हम कुदरती महसूल यानी कि एड वैलोरम टैरिफ में महसूल किस पर ऐड किया जाता था, मकदार पर, अशिया की मकदार पर, और स्पेसिफिक में
मादी इकाई के अतबार से आयद किया जाता है। तो मुरक्कब महसूल में हुकूमत एड वैलोरम कुदरती मखसूस और स्पेसिफिक के इम्तजाज के ज़रिए महसूल को आयद करती है। यानी इस किस्म के टैक्स में दरामद होती है अशे की इकाइयाँ और उसका तनासब, और स्पेसिफिक ड्यूटी के ज़रिए अशे की एक इकाई पर टैक्स आयद किया जाता है, उसको कंपाउंड ड्यूटी कहा जाता है। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी चंद मखसूस अवकात में हुकूमत स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी का इस्तेमाल करती है। इस तरह की ड्यूटीज़ का इस्तेमाल हुकूमत उस वक्त करती है जबकि दरामदी अशे की कीमतों में तब्दीली वाक़ हो। जिस तरह दरामदी अशे की कीमत में तब्दीली वाक़ होगी, इस तरह से कस्टम ड्यूटी में तब्दीली वाक़ होगी। इस तरह के महसूल को स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी कहते हैं। ये कुदरती और मखसूस की बुनियाद पर आयद किया जाता है। तो इस तरह से चार किस्म के जो महसूल के अकसाम चार हैं, कुदरती महसूल, मखसूस महसूल, मरकब महसूल और स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। अब हम जानेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टैरिफ, यानी कि महसूल के असरात क्या हैं। कीमत असर, प्राइस इफ़ेक्ट। प्रोफेसर किंडलबर्गर के मुताबिक कुल मैशत पर महसूल मुख्तलिफ अंदाज से अपने असरात छोड़ता है, जो कि मंदरजा ज़ैल है, जिसमें से एक है कीमत असर, प्राइस इफ़ेक्ट जिसे कहा जाता है। तो महसूल का असर रास तौर पर दरामदात पर पड़ता है, यानी महसूल के ज़रिए इस बात की कोशिश की जाती है कि दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ और दरामदती अशिया की तलब में कमी कराई जा सके। जब भी दरामदात के शय में कमी करना होता है तो कीमतों में इजाफा किया जाता है। तहफ़ी और पैदावारी असर, प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव इफ़ेक्ट। इस तरह के महसूल को लागू करके हुकूमत घरेलू सनतों का तहफ़ करती है। यानी प्राइस इफ़ेक्ट, कीमतों में जब इजाफा करने का मतलब ये होता है कि घरेलू अशिया जो है, सनती अशिया है, उसका तहफ़ करना है। महसूल के लागू करने से दरामदती अशिया की मकदार में कमी वाक़ होगी, जिसका राफ नतीजा ये बरामद होगा कि घरेलू अशिया की पैदावार में इजाफा होगा। इसके नतीजे में घरेलू पैदावार से ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा और बैरूनी अशिया की जगह घरेलू अशिया लेंगे। इस तरह महसूल दरामद बदल असर को तरगीब देता। दूसरा है कंजम्पशन इफेक्ट, सर्फ असर। जब कभी हुकूमत दरामदती अशिया पर महसूल आयद करती है तो उसके नतीजे में सार्फीन को ज़्यादा कीमतें अदा करनी पड़ती हैं और अशिया की कम मकदार हासिल होती है, जिसके नतीजे में सार्फीन को कम तशफ़ी हासिल होती है और कम नफ़ा सारिफ हासिल होता है। इनकम इफ़ेक्ट, आमदनी असर। महसूल हुकूमत को आमदनी फराहम करता है। ने महसूल के आयत करने से हुकूमत को आमदनी हासिल होती है, जो कि दरामदती अशिया की मसावी होती है। ने जब दरामदती महसूल की मकदार को दरामदती अशिया की मकदार से ज़रब दिया जाता है तो हुकूमती आमदनी हासिल होती है। दोबारा तकसीम का असर इस तरह हासिल किया जा सकता है कि पैदा कुनंदे की हासिल करदा आमदनी मनफी नफा सारिफ को होती है। इस तरह दोबारा तकसीम का असर इस बात को वाज़े करता है कि घरेलू पैदावार को मुनाफा हासिल होगा बमुकाबल बैरूनी पैदाकार के। थैंक यू।